अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे मेरे पेज को फॉलो और लाइक करें आज की वीडियो का मौजू है मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज अहदीस के मुताबिक जोड़ों के दर्द का इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनजीर खाओ क्योंकि यह बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफ़ीद है कंजुल ईमान दिल की कमज़ोरी का इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम लोग संतरा इस्तेमाल किया करो ये दिल को मजबूत बनाता है कंजोलीमान ज़ख्म का इलाज अलैहि वसल्लम जब भी कोई कांटा चुपता या ज़ख्म होता तो आप वसल्लम मेहंदी का इस्तेमाल फरमाते इब्न माजा बुखार का इलाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्षात फरमाया तुम तो में से किसी को जब बुखार आए तो सैरी के वक्त ठंडा पानी इसके बदन पर तीन रात तक छिड़का जाए मुस्तदरक गुर्दों की बीमारी का इलाज पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नास है जब वो हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ़ होती है और इसका इलाज गर्म पानी और शहद से किया जाए अल हाकिम मैदे की सफ़ाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अनार को इसके अंदरूनी छिलके समेत खाया करो क्योंकि ये मैदे की सफ़ाई करता है मसन्द अहमद पेट के कीड़ों का इलाज हजरत इबन अब्बास रजील्ल्ला त्यान फरमाते हैं कि रसोल्ला वसम ने फ़रमाया नहार खजूरें खाया कर क्योंकि इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं मसनत फिर दोस्त रसोल्ला सल्ला वसम ने फरमाया तुम कलवंजी को लाजुम पकड़ो इसमें शाम के अलावा हर चीज़ की शफा है शाम की मानी मौत के हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुरमदानी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आँख में तीन बार सुरमा लगाया करते थे मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अल्लाह हाँ।